नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसके बाद जिस तरह से बाबा बुलडोजर के नाम से वो फेमस होने लगे, लगातार माफियाओं पर कार्रवाई करने लगे, लगातार अवैध निर्माण जो सरकारी जमीन थे उन्हें खाली कराने की कार्रवाई शुरू की गई और उसी की वजह से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि बीजेपी लगातार लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। जो भी बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाता है बीजेपी उसके घर बुलडोजर चलवा देती है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी बीच सपा विधायक शर्जिल इस्लाम का एक बहुत ही विवादास्पद बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर योगी के मुंह से निकलेगी बोली तो हमारी बंदूक से निकलेगी गोली। ये बयान उन्होंने दिया है और अपने इस बयान में उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। और एक हमारे भारतीय नदी नेता जो कि बब्बर सिंह है, अखिलेश यादव, वो भी आपके सामने, तो अगर उसके मुंह से भी अगर आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों में से आदि सुनी धुआं नहीं निकला, गोली निकलेगी, बताना चाह रहा हूं। आप लोग बिल्कुल परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ में हैं, पूरा जन समर्थन साथ में है, सबको एक एक लाख वोट मिला है हमारे सब प्रत्याशियों को। अगर इन्होंने मनमानी करने की कोशिश करी तो बरेली के अंदर भी हम धरना प्रदर्शन करेंगे, सड़क जाम करने का काम करेंगे और कोई जो जाति बर्दाश्त नहीं होने देंगे। तो सुना आपने शहजील इमाम के इस्लाम के इस बयान को जहां वो इस बात को कह रहे हैं कि अगर उन योगी के मुंह से निकलेगी बोली तो उनकी बंदूक से निकलेगी गोली। हमने पहले भी देखा है कि सपा विधायक और सपा नेताओं के खिलाफ लगातार आपराधिक मामले दर्ज हैं और इस तरह के बयान कहीं ना कहीं उस हवा को और ज्यादा उस बात को और ज्यादा हवा दे देते हैं जब ऐसा कहा जाता है कि सपा के वक्त में उत्तर प्रदेश में ज्यादा गुंडाई हुआ करती थी। ऐसे बयान कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की छवि को भी खराब करने का काम करते हैं, तो लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं को इनसे बचने की जरूरत है। हालांकि उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कि जिन जिन के घर पर बुलडोजर पहुंचा है उन सभी को के में अवैध निर्माण वहां पर करवाया गया था, लेकिन अगर विपक्ष को अपनी बात कहनी है तो विपक्ष को बात रखने का भी तरीका आना चाहिए। फिलहाल आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।